15 अगस्त को मेवाड़ भवन गोरेगांव मुंबई में चातुर्मास के दौरान मेवाड़ संघ मुंबई के वेबसाइट का विमोचन किया गया। इस अवसर पे साध्वी श्री सुधा कंवर जी, साध्वी श्री सूर्यशा जी, साध्वी श्री विजय प्रभा जी ने अपने आशीर्वचनों से इस प्रोग्राम को शुभाशीष दिए। इस वेबसाइट लॉन्चिंग में अध्यक्ष चतरलाल लोढ़ा, महामंत्री रोशन बडाला, मंत्री सुरेश सोनी, मंत्री फूलचंद नाहर, पूर्व अध्यक्षा ललिता सोनी, लादूलाल बाफना, लक्ष्मीलाल बडालमिया के साथ साथ सैकड़ों श्रावक एवं श्राविकाएं शामिल हुए। उद्घाटन करता कुंडली वाला नंबर, उसके बाद श्रद्धेय पुण्यश्री मदन मुनि जी महाराज साहब, ये क्रम सर बारी बारी से रोटेशन चलता रहेगा। जैसे ही आप यहाँ अपने कर्सर को यहाँ लगाएंगे होल्ड हो जाएगा। हमने चाहा कभी ज्यादा ज्यादा लोग इस वेबसाइट से जुड़े और भी 10 प्रकार खाली है। इस प्रवचन के बाद भी लोग देंगे, हम लोग आज डाल लेंगे। सबसे पहले तो मैं मेवाड़ संघ को बधाई देना चाहूँगी कि इतना अच्छा इन्होंने वेबसाइट लॉन्च किया है, जिसके वजह से मेवाड़ संघ की जानकारी सभी को मिल पाएगी और मेवाड़ संघ से सब परिचित हो पाएंगे। और दूसरा, आज जो बच्चों के लिए शिविर रखा है, उनके लिए कहना चाहूँगी कि आजकल हमारे समाज के बच्चे जो धर्म से दूर होते जा रहे हैं, उनमें पेरेंट्स की भी बहुत बड़ा रोल रहता है कि पेरेंट्स उन्हें अगर धर्म स्थानक में, जैसे हम स्कूल में लेकर जाते हैं, वैसे पेरेंट्स यदि धर्म स्थानक में लेकर जाएँ तो बहुत सारा बेनिफिट आज के लिए, क्योंकि आज की भूदय के लिए और समाज के उत्थान के लिए मैं सोचती हूँ कि श्रमण संघ के द्वितीय पट्टधर आचार्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब ने जो पंचसूत्री कार्यक्रम दिया, वो पंचसूत्री कार्यक्रम यदि समाज में लागू होता है तो समाज को एक नई दिशा मिलती है और वो नई क्रांति कर सकता है। ये कई सालों से मन में एक व्यथा थी, जब मैं अध्यक्ष नहीं था और सचेतन पद का निर्वाह कर रहा था। मैं यही कहूँगा कि आने वाले अध्यक्ष और सभी पदाधिकारी इसके ऊपर विशेष ध्यान देते हुए इस जो महायज्ञ है उसको आगे बढ़ाते रहें। जय जिनेंद्र, जय। बहुत खुशी की बात है कि मैं इनके इस भागीरथ कार्य को अंजाम तक दे पाया और पूरी कार्यकारिणी और इनका मार्गदर्शन और टेक्निकल सपोर्ट टीम ने भी। यह मेवाड़ संघ मुंबई के इतिहास की एक बड़ी घटना के रूप में देखा जाएगा। जैसा कि वेबसाइट का महत्व वर्तमान युग में एक संचार क्रांति के रूप में लिया जाता है, वेबसाइट के द्वारा कोई भी सदस्य मेवाड़ संघ के बारे में किसी भी प्रकार की जानकारी लेना चाहे तो वो आसानी से प्राप्त कर सकता है।